स्माइलपुर बिंटोली बांध के स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में कटाव, दूसरे दिन भी कटाव जारी, लोगों में दहशत का माहौल। स्माइलपुर बिंटोली के बीच स्थित स्पर संख्या 6 के अपस्ट्रीम में गुरुवार की दोपहर से 20-25 मीटर तक भीषण कटाव से जल संसाधन विभाग द्वारा कटाव निरोधी कार्य करवाया गया था, जिसमें बांस बल्ला व जियो बैग पिंचिंग कार्य ध्वस्त होकर गंगा नदी में समा गई। ध्वस्त हुए भाग कोएंसी में बालू भरी बोरियां डाली जा रही है, परंतु बोरियां नदी में समाती ही चली जा रही है। कटाव की सूचना पर देर शाम को मुख्य अभियंता की टीम ने हाथी पांव लगाने का निर्देश दिया। दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह एनसी जो किया गया था वह भी दब गया, साथ ही देर रात तक 12 हाथी पांव डाले गए। बताते चले, इस वर्ष जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 40 करोड़ से अधिक लागत के कटाव निरोधी कार्य करवाए गए हैं। इसके तहत स्पर संख्या 6 का रिस्टोर व स्पर संख्या 6 से लेकर 5A1 तक बांस बल्ला गाड़ कर जियो बैग पिंचिंग करवाया गया था। बांस बल्ला कार्य को सुरक्षित रखने हेतु अलग से करोड़ों रुपए खर्च करवाया गया था। कटाव की भयावहता को देखकर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया है। वहीं कुछ दिन पहले सांसद के सचिव ने भी स्पर संख्या 6 पर विशेष निगरानी के लिए कहा था। एंटीरोजन कार्य को देखकर बोला गया था कि अनियमितता बढ़ती गई है, जल संसाधन विभाग से जुड़े पदाधिकारी एक्टिव मोड में नहीं है, लिहाजा गंगा बांध के बहुत ही नजदीक आ पहुंची है। अभी देखे कि इसमें कटाव हो रहा है तो काम गुणवत्ता पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए ऐसा हुआ है। अभी हम जो देखे जिस बोरा में 80 कैरेट 25 बोरा डाला जाता है उसमें 10 किलो मात्र, उसमें 5 किलो 10 किलो 6 किलो 8 किलो वाला बोरा उसमें डाला जा रहा था, इससे कटाव क्या रुक सकता है। इसी स्थिति में हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार के पैसे का, जनता के पैसे का गाढ़ी कमाई इसमें जो लग रहा है, हमको लग रहा है कि ऐसा कि एक दो दिन के अंदर 6 नंबर ठोकर ध्वस्त होने के कगार पे है। इसमें अथी सुनने में आया कि यहाँ पर आया था जांच दल वाला पदाधिकारी, यहाँ पर किसी को आम पब्लिक को जानकारी नहीं देती है। दुखद बात है, जो आम पब्लिक से कम पूछना चाहिए कि इसकी कैसा काम हो रहा। आपको क्या लगता है, आपने इसके विषय में क्या क्या किया? घोर अनियमितता बढ़ती गई है, 6 नंबर ठोकर जब किया।